नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं? और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए वीडियो काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे एक मैसेज आ रहा है कि सर आप एक डोंगल्स के बारे में वीडियो बनाइए, डोंगल्स के बारे में वीडियो बनाइए कि डोंगल्स हमें जो परफेक्ट डोंगल्स तो बहुत सारे होते हैं फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा डोंगल्स बहुत सारे होते हैं, पर डोंगल्स कौन कौन से हमें लेने चाहिए, किस सीपीयू में कौन सा डोंगल्स यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो ये देखिए, हम आपको बता देते हैं, हम आपको पांच ऐसे डोंगल्स के बारे में बताएंगे जो आप जनरली ले सकते हैं। इसमें से दो आप बहुत ही, अगर आपके पास बजट है तो आप दो ज़रूर लें जो ऑफलाइन वाले सेट होते हैं। मैं ऑनलाइन सेट की भी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन के लिए आपको UFI या इजी जेटेक में से किसी एक को लेना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बात करता हूँ आपको। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर फ्रेंड्स कि जो आपको जो डोंगल्स लेने हैं, जो आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे डोंगल्स हैं मार्केट में, बहुत सारे ऐसे ऐसे डोंगल्स हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या क्या वर्क करते हैं। मैं तुम्हें सारी इसकी डिटेल बताने वाला हूँ कि ये पांच डोंगल्स आपको कौन कौन से लेने हैं। आप उसे ले लेंगे तो आपका जो ऑफलाइन का कंसल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मतलब जो भी ओप्पो वीवो के फ़ोन आते हैं लगभग लगभग सारे हो ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डोंगल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला डोंगल्स है फ्रेंड्स UMT। मैं इसको सबसे फर्स्ट में ले रहा हूँ, सबसे फर्स्ट में मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा UMT सबसे फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही बेटर टूल है कॉलकम के लिए, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स उन्हें पता है कि इसकी क्या अहमियत है, कॉलकम CPU की क्या अहमियत है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो सबसे पहला डोंगल्स है जो पहले नंबर वन पे आता है वो है हमारा UMT। तो UMT के बारे में हम डिटेल करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे UMT के बारे में हम डिटेल कर देते हैं। तो UMT में फ्रेंड्स हमने काफ़ी वीडियोस इधर से डाल ही रखे हैं। तो आप UMT में फ्रेंड्स आप यहाँ पे UMT का GSM यूज़ कर सकते हैं, UMT का MediaTek यूज़ कर सकते हैं। मैंने शुरू में बोला कि कॉलकम के लिए, तो फ्रेंड्स ये सबके लिए बेस्ट है, बट ये कॉलकम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप एक कोई सा भी डोंगल आप लीजिए चाहे ना लीजिए, बट आप एक UMT तो जरूर लीजिए। बट मैं जिनके पास बजट है तो वो पांच डोंगल ले सकते हैं वन टाइम। ये ईयरली एक्टिवेशन होता है, मैं ये भी बता दूं आपको, एक साल में ये रिनो कराया जाता है। चलिए, तो इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एक टूल से आप इसमें UMT का GSM यूज़ कर सकते हैं जिसमें सारे CPU वाइज होता है। इसमें आप प्रॉपर MediaTek का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर कॉलकम का यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक FRP का सेटअप होता है यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड हुआ है जो कि अभी काफ़ी दिनों से ऐड हुआ है, UMT का MMC टूल वर्जन 3, और जो फ्रेंड्स मैं बता दूँ आपको बहुत ही काम आने वाला ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो को हम एक डोंगल्स को आपको ओपन करके जल्दी से दिखा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें तो आपको प्रॉपर नॉलेज आएगा। फिर मैं लास्ट में एक ऐसा सजेस्ट भी करूँगा कि आपको कौन सी, अगर पांच में से भी बजट नहीं है तो कौन से दो डोंगल्स ले लें, या कोई एक ले लें, या कोई तीन डोंगल्स इनमें से ले लें। अगर बजट है तो आप पांचों लें, नहीं तो आप इनमें से दो तीन तो ले ही सकते हैं। तो चलिए मैं इसको एक इंटरफेस इसमें खोल के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। मैं कॉलकम का ही खोल दे रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत ही, मैं बस दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद दूसरे डोंगल्स के बारे में बताऊँगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। पांच ऐसे डोंगल्स के बारे में आज टॉपिक है कि पांच डोंगल्स आपको बताने हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक आप डोंगल्स पे वीडियो बनाइए जो कि कौन सा 5 डोंगल्स बेस्ट है। तो मैं आज 5 डोंगल्स बेस्ट के बारे में एक वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके उतना आप शेयर करें जिससे कि हमारे नए वीडियो, आप अगर बेल आइकन दबा लेते हैं फ्रेंड्स तो हमारे जितने भी नए वीडियोस होंगे आपको तुरंत मिलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, ये हमारा QC Fire जो ये कॉलकम के लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, मैं बता दूँ ये जो QC Fire होता है ये हमारा कॉलकम के लिए यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो डाल रखी है आपको डिस्क्रिप्शन के, आपको वीडियो के लास्ट में भी लिंक मिल जाएगी जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉलकम के लिए बहुत अच्छा इंटरफेस है, कॉलकम CPU के लिए आप यहाँ पे बहुत इसको इजीली तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट डोंगल के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट डोंगल है हमारा
MRT नेस डोंगल, क्योंकि मैं इसको अगर लाइन वाइज करूं तो मेरा नेस्ट डोंगल होना चाहिए, हमारा है मेरे हिसाब से मिरकल थंडर। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिरकल UMT को साइड कर देता हूं, और यहां पे जो हमारा सेकेंड डोंगल है वो है हमारा है मिरकल थंडर, जो कि इतना थीम जब बहुत ही छोटा दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा होगा, ये मिरकल थंडर है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये हमारा सेकेंड में आएगा मिरकल थंडर फ्रेंड्स। तो मिरकल थंडर के लिए आप जानते ही हैं, मिरकल थंडर मार्केट में मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में नंबर्स भी कुछ दूंगा जहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड है मिरकल थंडर। तो मिरकल थंडर का इंटरफेस मैं आपको दिखा दूँ, ये है मिरकल थंडर का सेटअप फ्रेंड्स, इसको हम एक बार ओपन करके भी आपको दिखा सकते हैं। ये मिरकल थंडर बहुत ही बेस्ट होता है फ्रेंड्स, और इसमें एक अपडेट भी बहुत अच्छा अपडेट भी है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके लिए नेट कनेक्ट होना चाहिए और UMT के लिए नेट नहीं चाहिए, मैं इसीलिए बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, UMT के लिए कोई भी नेट नहीं चाहिए, मिरकल के लिए आपको नेट कनेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए सेकेंड डोंगल्स है आपका मिरकल थंडर फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिरकल थंडर में सारे सेटअप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये अपडेट होता है तो ये न्यू ओल्ड वर्जन नहीं चलता है, ये आपको कह देते हैं कि आप न्यू वर्जन को अपडेट करो, डाउनलोड करो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मिरकल थंडर ओपन हो रहा है। तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे, तो आप फर्स्ट UMT, सेकेंड मिरकल थंडर, थर्ड बात करेंगे MRT की, फोर्थ बात करेंगे देखते हैं वीडियो में। चलिए ये हमारा इंस्टॉलेशन तो है ऑलरेडी, ये हमारा ओपन हो रहा है सेटअप में, थोड़ा सा टाइम लगता है सेटअप ओपन होने में फ्रेंड्स, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा ऐसे टेलीकॉम का हर महीने का बैच लगता है, और अभी जैसे ही हमारा स्टार्टअप हो जाएगा बैच, तो आपको अपडेट भी करा दिया जाएगा ऐसे टेलीकॉम की तरफ से। तो जल्दी से ओपन हो जाता है, उसके बाद हम नेक्स्ट डोंगल्स के बारे में चलेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें एक डोंगल के बारे में बताइए, डोंगल्स के बारे में बताइए, तो मैं इसलिए डोंगल्स के लिए एक वीडियो बना करके आपके लिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इजली तरीके से ये हो जाएगा। चलिए जैसे ही हमने बोला, यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी सिप ऑल इन वन, एक डोंगल, इतना सा ऑल इन वन डोंगल होता है, बहुत ही अच्छा टूल है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो इसके ऊपर भी बनाई हुई है, आप जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए ये MediaTek SPD Qualcomm बहुत ही बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है। MediaTek की सर्विस आप FRP हटाने के लिए मेटा मोड, जो कि नए जो वीवो के आते हैं फ़ोन MediaTek, वो आप बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे FRP भी हटा सकते हैं। तो ये इंटरफेस है मिरकल थंडर का फ्रेंड्स, आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही काम का टूल है सेकंड नंबर पे। चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट तो है ही, आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा आता है तीसरा डोंगल आता है, जो कि हमने दूसरे पे लिया था, बट ये इसको हम तीसरे नंबर पे लेंगे, MRT डोंगल। तो जो ओपन भी हो गया था फिलहाल, ये देखिए ये MRT डोंगल है, मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, ये MRT डोंगल है, इसका एक सेटअप डायरेक्ट चलता है, तो इसके लिए भी डाटा कनेक्ट होना चाहिए। डाटा का मतलब नेट का, सर्वर का, सर्वर से चलते हैं ये डोंगल्स, मिरकल सर्वर से चलता है, UMT सर्वर से चलता है। तो ये इसके अपडेट हैं, इसको आपको मैं लगाता हूँ, और ये आप तीसरा डोंगल है आपका MRT। अगर आपके पास बजट है तो आप MRT भी ले सकते हैं, बट आपके पास सारे बजट हैं तो आप 5 डोंगल्स ले सकते हैं। तो हमने MRT को लगा दिया फ्रेंड्स, अब हम MRT को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड तीसरा डोंगल है हमारा MRT, और चौथा आपको बताएंगे, और फिर पांचवा आपको बताएंगे कि कौन सा आपको 5 डोंगल्स लेने चाहिए। मैं लास्ट में एक सजेस्ट भी करूंगा कि आपको 2 डोंगल्स या 3 डोंगल्स या 5 में से 3 या 2 कौन से बेटर होंगे लेना, ये मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊंगा, जिससे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा कि आपको इन 5 डोंगलों में से कौन से 2 डोंगल्स ऐसे लेने हैं, या कौन से ऐसे 3 डोंगल आपको लेने हैं जो आपको बहुत ही काफ़ी मददगार होने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से ओपन करते हैं फ्रेंड्स, इनके लिए सर्वर होना बहुत ज़रूरी है। और तो
ये आपका भी ऑल इन वन टूल होता है जो कि काफ़ी सारे सेटों को सपोर्ट कर रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें सपोर्ट हैं। तो चलिए देख सकते हैं, ये हमारा MRT भी ओपन हो चुका है जो कि अभी इसका वर्जन चल रहा है 3.58। और यहाँ पे आप सोमी ओप्पो वीवो यहाँ पे ऑल इन वन है, MediaTek कॉलकम सारे CPU वाइज भी है इसमें, मॉडल भी वाइज भी है, ब्रांड वाइज भी है, हॉनर हवाई, आपने हमारे बहुत सारे वीडियो MRT के भी देखे होंगे फ्रेंड्स। तो ओप्पो वीवो हॉनर हवाई मेजूस बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि इसमें ऐड है, आप इसे ज़रूर लें। चलिए अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टूल है फ्रेंड्स, इसको भी हम साइड कर देते हैं, इनको भी साइड कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट टूल है UMT की तरह ही आपको दिख रहा होगा, पर ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स CM2। अगर आपको दिख रहा होगा CM2 डोंगल लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये डोंगल है CM2। अब मैं CM2 का ज़्यादातर जल्दी अपडेट नहीं आता है, मैं CM2 के लिए क्यों बोल रहा हूँ, CM2 लेने के लिए जैसे कभी कभी बहुत सारे कीपैड्स फ़ोन में इसको इस डोंगल में सारे CPU इसमें भी है, इसमें भी कॉलकम के हैं, MediaTek के हैं, इसमें भी CPUs हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें मैं बात करूँगा कीपैड, अगर आपके पास कीपैड के फ़ोन आते हैं, कीपैड के स्पेक्ट्रम, कीपैड का MediaTek, कीपैड का एनी जो फ़ोन आते हैं, कीपैड नोकिया के मोबाइल की फ्लैशिंग आप इस CM2 डोंगल से कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट है तो आप ये CM2 डोंगल भी परचेस कर सकते हैं, जिसका इंटरफेस मैं एक आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त इसका इंटरफेस है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है। तो मैं इसका SPD का खोल लेता हूँ। इसमें आप कीपैड मोबाइलों की बहुत ही इजली तरीके से अनलॉकिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसीलिए मैं आपको बोला इसमें इसमें कॉलकम भी है, देख सकते हैं MediaTek भी है, प्रॉपर सेपरेट वाइज सेटअप भी है इनका। और ये CM2 SPD जो कि SPD हमारा जो UMT है वो SPD नहीं देता है, वो दे रहा है आपको CM2 डोंगल। तो ये CM2 डोंगल्स आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए CM2 डोंगल का भी इंटरफेस यहाँ पे खुल चुका है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली स्पेक्ट्रम CPU, ज़्यादातर कीपैड में फ्रेंड स्पेक्ट्रम CPU ही लगे होते हैं और MediaTek लगा होता है, तो उसके लिए हमें अलीबाबा या फिर जो भी आप साइड से हटाते रहे, बट अगर आपके पास CM2 है तो बहुत ईजली तरीके से आपको जाना है सर्विस में जाना है और यहाँ पे फॉर्मेट FS कर देना है, बहुत ही इजी तरीके से आपका जो पिन होगा वो बहुत ही इजी तरीके से रिमूव हो जाएगा। वेटिंग फॉर फोन, फोन तो है नहीं इसलिए हम कनेक्ट कर नहीं रहे। चलिए अगर ये वीडियो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मैं लास्ट डोंगल के बारे में बात करूँगा और 2 मिनट और लूँगा आपका, जिससे कि आपको बताऊँगा कि कौन सा डोंगल आपको लेना चाहिए इन 5ों में से। अगर आपके पास बजट कम है, आप एक डोंगल, दो डोंगल या 3 डोंगल या आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा डोंगल आप लें। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने लास्ट डोंगल के बारे में कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बारे में आपको हम बताते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए ये हमारा है लास्ट डोंगल, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये हमारा एक लास्ट डोंगल है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, Z3 Xbox। ये Z3 Xbox प्रॉपर केवल और केवल सैमसंग के लिए होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं Z3 Xbox केवल और केवल ये सैमसंग के लिए होता है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, ये Z3 Xbox केवल और केवल सैमसंग के लिए होता है फ्रेंड्स, जिससे कि आप सैमसंग के मोबाइल आप बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको फ्लैश कर सकते हैं, पैटर्न हटा सकते हैं, अनलॉकिंग कर सकते हैं, आप इसको नेटवर्क अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट है तो आप Z3 Xbox भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने प्राइस का मेंशन नहीं किया है क्योंकि हम सेल नहीं करते हैं, हम बस आपको बताना था कि आप कहीं से भी परचेस करें पर आप टूलों को परचेस करें, बिना टूल के आप काम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जैसा कि हमने बोला था कि हम आपको लास्ट में बताएंगे कि कौन से, अगर इन 5ों डोंगल्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करिएगा, जिससे कि आगे भी आपके जो आप बोलेंगे, जिस हिसाब से आप वीडियो को बोलेंगे, मैं उस हिसाब से आपको आपके वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स फिर से मैं बताना चाहूँगा, इन 5 डोंगल में से अगर आपके पास 3 बजट हैं, मतलब आप 5 डोंगल में से 3 को लेना चाहते हैं, अभी 2 आपके पास बजट नहीं है, तो उसके लिए वो 3 मैं बता देता हूँ। फर्स्ट आपको UMT लेना ही लेना है, क्योंकि UMT में अगर आप UMT प्रो लेते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने एक अपडेट अभी नहीं दिया, क्योंकि मैं अगर सारी चीज़ शुरू में दे दूंगा तो आप लास्ट की वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आप लास्ट की वीडियो देखें। तो अगर आप UMT का प्रो लेते हैं
तो इसमें आपको ये सारे एवेंजर भी चलते हैं, इसमें आपका एक बेनिफिट, बहुत बेनिफिट है जो कि एवेंजर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो फर्स्ट आपको 5 में से 3 UMT, सेकंड आपको मिरकल और थर्ड आप MRT ले सकते हैं। तो ये 3 डोंगल आप 5 में से 3 ऑप्शन थे। उसके बाद अगर आपका 2 बजट है तो मैं फिर से रिकमेंड करूँगा फर्स्ट UMT और सेकंड आप मिरकल थंडर। तो आई होप आपको अहमियत समझ गई होगी कि मैंने नंबरिंग फर्स्ट UMT को क्यों दिया, सेकंड मिरकल को क्यों दिया और थर्ड हमने MRT को क्यों दिया, फोर्थ UMT और फाइव आपका Z3X। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास एक का ही बजट है तो सबसे पहले आपको लेना है UMT, UMT डोंगल्स आपको लेना है सबसे मस्ट। उसके बाद चाहे आप UO5 इजी ZX भी लें तो भी आपको ये आपको UMT लेना ही होगा फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनी है बट आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।